अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज लाजवाब में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो में कम कपड़े में ज़्यादा घेर वाली सलवार की कटिंग कैसे करते हैं इसको दिखाने वाले हैं। मजीद देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े पर 36.5 इंच की लंबाई मार्क करके कपड़े को दोहरा कर लेते हैं। सलवार की तैयार नाप 40 इंच है। इसमें नेफे के लिए 2 इंच प्लस करके, फिर 6 इंच की बेल्ट माइनस करके 36 इंच बचता है, और उसमें 1/2 इंच प्लस करके जो सिलाई के लिए वो 36.5 इंच की लंबाई मार्क कर लेते हैं। कपड़े को 8.5 इंच पर मोड़ लेते हैं। मुड़े हुए कपड़े से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेते हैं, जो हमारी मोहरी के लिए 9 इंच की मार्किंग हो गई। दूसरे सिरे से 1 इंच की मार्किंग कर लेते हैं, फिर निशान से निशान को मिला लेते हैं। मोहरी के निशान से ऊपर लगे हुए निशान को मिला लेते हैं। इस डायगोनल लाइन पर ऊपर से बाईं तरफ से 12.5 इंच आसन के लिए मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से आसन का माप लेकर दूसरी कली पर आसन की मार्किंग कर लेते हैं। सलवार की मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब रुमाली की कटिंग शुरू करते हैं, इसको मियानी भी कहते हैं। अब 9 इंच पर निशान लगा लेते हैं। फिर इसको मोड़ लेते हैं। दोनों साइड 9 इंच होना चाहिए।
और इसकी चौड़ाई 3 इंच। इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे से इसकी गोलाई को ठीक कर लेते हैं। बेल्ट बनाने के लिए कपड़े पर 15 इंच की मार्किंग कर लीजिए, फिर निशान से फोल्ड कर लीजिए, जिससे हमें 30 इंच की बेल्ट मिल जाएगी। कपड़े को मोड़ लीजिए। हमारी बेल्ट की चौड़ाई 6 इंच है, उसमें आधा इंच प्लस करके सिलाई के लिए 6.5 इंच पर निशान लगा लीजिए। अब बेल्ट की कटिंग कर लीजिए। बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। इस तरह सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।